So hello dear students and welcome back to this session of ICT virtual classroom. ICT virtual classroom के session में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की class में बात करने जा रहे हैं class 6th science subject के ऊपर कक्षा 6 विषय विज्ञान। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं वो बैठ जाएँ, जो बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लें। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस की बुक का आपका चैप्टर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें हम मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी गति को पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सबके सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बना कर रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। चलिए हम आपकी बुक के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस लिखेंगे चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, आपको मज़ा आने वाला है। चैप्टर को हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, गति एवं मेजरमेंट का मतलब होता है गति और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी और मेजरमेंट मतलब होता है मापन। आज जिस चीज के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो है ट्रांसपोर्ट। वो क्या है? ट्रांसपोर्ट यानी यातायात। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जो हम लोग डेली लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हम उसके लिए यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करते हैं। ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन पर हम डिपेंडेंट होते हैं। आप सारे बच्चे जो जानते होंगे कि अभी जो गर्मियों की छुट्टियां आपकी पड़ी थी जून की, उसमें आप लोग क्या किए होंगे? कोई अपने रिलेटिव के यहाँ गया होगा, कोई अपने गांव गया होगा, कोई अपने मामा गांव गया होगा, है ना। तो आप लोग कैसे गए होंगे? कोई बस से गया होगा, कोई ट्रेन से गया होगा, कोई बाई एयर गया होगा, कोई स्कूटी या बाइक से गया होगा, कोई साइकिल से भी गया होगा जो नज़दीक होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको क्या है, किसी न किसी एक साधन पर निर्भर होना होता है। किसी न किसी एक, जो हम कह लें जो हमारा व्हीकल है, मोटर है, उस पर हमको डिपेंड होना होता है। इनको हम यातायात के साधन कहते हैं प्यारे बच्चों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना। अगर छोटी सी दूरी चलनी है तो हम साइकिल से चल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा दूरी चलनी है तो हम बाइक से, स्कूटर से या मोटरसाइकिल से चल सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी हम कार से तय कर सकते हैं या टैक्सी से तय कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दूरी बस से, उससे थोड़ा ज़्यादा दूरी ट्रेन से, फिर और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी हो गई तो हम एरोप्लेन से करना उसको प्रेफर करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ से पृथ्वी से बाहर की दूरियाँ भी तय की जाती हैं, है ना। यहाँ से मंगल ग्रह पर, यहाँ से चांद पर जो है जाया जाता है, तो उसके लिए हम रॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है प्यारे बच्चों, है ना। उनको हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 5 यातायात के साधनों के नाम लिखेंगे। 5 यातायात के साधनों के नाम लिखेंगे, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, कौन कौन से हैं यातायात के साधन? सबसे पहले अगर बात करें तो कार, बस, टैक्सी, ट्रेन, ठीक है। ये सारे के सारे जो मैंने भी आपको बताए थे, ये सारे के सारे क्या होंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं हम इन्हें? हिंदी में हम कहते हैं यातायात के साधन। यातायात के साधन, तो यातायात के साधन क्या होते हैं? कार हो गई,
बस हो गया, टैक्सी हो गया, ये सारी चीज़ें जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। और इसमें पांच जो यातायात के साधन हैं वो आप अपनी तरफ से लिखेंगे, पांच यातायात के साधन अपनी तरफ से लिखेंगे सबके सब। चलिए जल्दी से लिखेंगे अपनी मर्जी से। चलिए यहाँ तक आपने बातें लिख दी, यहाँ तक की बातें सबने लिख दी। अब कई बार जो है हमको ट्रांसपोर्ट जो है रोड से करना होता है ना, कई बार हमको ट्रांसपोर्ट बाय एयर करना होता है, कई बार हमको ट्रांसपोर्ट जो है वो बाय वाटर करना होता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमारे जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है, उस पर डिपेंड करते हैं, है ना। ये किस पर डिपेंड करते हैं, क्या हमको किस जगह से किस जगह जाना है, इस पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो जैसे हमको वाटर में, पानी में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, जहाँ पर रोड नहीं है ना, वहाँ पर हम पानी से जा सकते हैं, नदी से या फिर समुद्र से, तो उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। इस तरीके के यातायात को हम क्या कहते हैं, जल यातायात। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि अगर हमको बाई एयर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ से कार से नहीं जा सकते, बस से जाने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ट्रेन से जाने में आपको 3 4 दिन लग जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एयर ट्रांसपोर्ट से। किससे, एयर ट्रांसपोर्ट से। ठीक, इसके बाद अगर बात करें कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वहाँ पर नज़दीक आपकी जगह है, ठीक है, और वहाँ पर आपको हवाई जहाज की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी, पानी की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी, वाटर ट्रांसपोर्ट की भी, तो आप वहाँ से चल जाएंगे रोड ट्रांसपोर्ट। तो आप वहाँ से चल जाएंगे रोड ट्रांसपोर्ट। अब आपको क्या करना है कि कौन कौन से ऐसे वाहन हैं, कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं जिसकी वजह से, तो आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये लिखना है कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर जहाज, पानी का जहाज, तो पानी के जहाज से आप कौन सा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप से, है ना, ऐसे आपको लिखना है। जैसे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से कौन सा ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट, तो इसके आगे हेलीकॉप्टर। ऐसे आप तीन तीन, दो दो तीन तीन साधन जो हैं, दो दो तीन तीन मीन जो हैं, सबके आगे लिखेंगे। दो दो तीन तीन मीन्स जो हैं वो सबके आगे लिखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने कुछ 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 बच्चों ने आंसर लिखा होगा, ठीक है, जिस जिस बच्चे ने आंसर लिखा है वो अपने आंसर जो है हमको बता सकते हैं। आप लोग जो है बीच में अगर आपको कुछ बात करनी है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर कुछ आंसर करना चाहते हैं, तो हाथ खड़े करके सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आप लोगों ने जो जो बातें इसमें लिखी होंगी वो मैं मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने अगर इस तरीके का आंसर लिखा होगा, इससे रिलेटेड कुछ लिखा होगा, तो बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारा आ जाता है बोट, बोट यानी कि नाव, बोट यानी कि नाव। तो नाव से तो हम पानी से आते जाते हैं, तो नाव इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शिप बोल सकते हैं, है ना, जो पानी का जहाज होता है ना, तो बोट हो गया, शिप हो गई, एटसेट्रा। इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो एयर ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको एक बताया था, हेलीकॉप्टर से हम लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, हेलीकॉप्टर से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग एरोप्लेन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें रोड ट्रांसपोर्ट की, तो रोड ट्रांसपोर्ट के तो हमारे पास बहुत सारी गाड़ी, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे साधन हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, है ना, इसके अलावा बस हो गया, एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि अगर एक नाव है, अगर एक नाव है तो वो क्या काम करेगी हमारा, वो हमको प्यारे बच्चों, ये हमको वाटर ट्रांसपोर्ट कराएगी, ये हमको पानी में लेकर जाएगी, पानी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। लेकिन अगर एक कार है, अगर एक कार है तो वो कार क्या करेगी प्यारे बच्चों हमको, वो हमको रोड ट्रांसपोर्ट कराएगी, वो क्या कराएगी हमको रोड ट्रांसपोर्ट कराएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, जो चीज़ रोड पे चलती है वो रोड ट्रांसपोर्ट कराएगी, जो पानी पे चलता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट कराएगी। नोट डाउन करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आपको जो है ट्रांसपोर्ट की हम कहानी सुनाते हैं। ठीक है,
किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हमारे एंशियंट टाइम से अब तक चलता हुआ आ रहा है। तो अगर हम बात करें काफ़ी साल पहले, अगर आप काफ़ी साल पहले जाएं, मतलब जब बिल्कुल शुरुआत की बात करें, शुरुआत जहाँ से ट्रांसपोर्ट का हुआ था, तो सबसे पहले ऐसा नहीं था कि हमारे पास गाड़ियाँ थी, ऐसा नहीं कि हमारे पास एरोप्लेन स्टार्टिंग से थे। स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है, तो वो क्या करते थे, पैदल जाते थे और सामान अपने कंधों पर लेकर जाते थे। यानी कि स्टार्टिंग में हम लोग जो है अपने बैग पर सामान लाद कर जाते थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने जो है अपने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया। जो हमारे जानवर थे उन पर हमने सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू किया। ठीक है, एनिमल्स के साथ साथ हमने जो है पानी में चलने के लिए बोट भी बना ली थी। उसके बाद बोट कैसी बनाई हमने, सबसे पहली नाव आप जानते हैं कैसे बनी थी? जैसे लकड़ी जो है, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, तो थोड़ा मोटी सी एक लकड़ी ले ली, उसमें बीच में बैठने की जगह बना दी, तो वो नाव बन गई, है ना। पहले ऐसे था, मतलब जब बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, जब कुछ भी पता नहीं था इंसान को कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जाए। ठीक, इसके बाद एनिमल्स और बोट के जो है हेल्प से हम लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ठीक, अब जो है थोड़ा सा इसके बाद क्या हुआ, बोट का थोड़ा सा जो है नदियों जो नाव है इनका थोड़ा सा अच्छे तरीके से ये बनने लग गई, और लोगों को पता लग गया कि किस तरीके से हम जो एक अच्छी नाव बना सकते हैं। उसमें सामान भी जाता था, आदमी इंसान भी जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था पानी। लेकिन सड़क पर, जमीन पर अभी भी लोग क्या करते थे, पैदल ही चलते थे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की डिस्कवरी हुई, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की डिस्कवरी हुई प्यारे बच्चों। इसके बाद जो डिस्कवरी हुई वो हुआ पहिए का आविष्कार। किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार। तो ये सबसे पहला ऐसा आविष्कार था, पहिए का आविष्कार, ये सबसे पहला ऐसा आविष्कार था प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। डिस्कवरी ऑफ व्हील। आज आप जैसा गाड़ी में आप अपनी गाड़ी में पहिया देखते होंगे, है ना, बिल्कुल जिसमें टायर लगा हुआ है, ट्यूबलेस टायर, हवा भरी हुई है, उसके अंदर आपको एलॉय दिखता है और वो जो है गाड़ी के साथ लग करके घूमता है, तो आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल स्मूथली चलती है। ऐसा पहिया नहीं बना था पहले। पहले एक लकड़ी का बिल्कुल गोल सा पहिया बना था जो कि बहुत ही हार्ड था। लेकिन वो जो है वो इन्वेंशन, वो आविष्कार जो है वो आज की डेट में देखिए कितना मॉडिफाई हो गया। तो जब वो ढूंढा गया होगा तो सोचिए उस टाइम किस तरीके से वो चीज़ यूज़ की गई होगी हमारे ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट में, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। तो इसके बाद देखो अब पहिए का आविष्कार हो गया। अब लोगों ने क्या किया, जिन जानवरों पर वो सामान ढोकर ले जाते थे उन जानवरों पर उन्होंने पीछे एक गाड़ लगा दी, है ना, एक गाड़ी लगा दी जिस पर नीचे से लकड़ी के पहिए लगे होते थे। अब वो जानवर के साथ साथ वो गाड़ी भी लेकर जा रहे हैं, उस गाड़ी में सामान भी ले जा रहे हैं, और उस सामान के साथ वो खुद भी बैठकर उसमें जा रहे हैं। मतलब कि अब थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा हो गई। तो ऐसी गाड़ियाँ जैसे बैलगाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, ये इस तरीके की गाड़ियाँ जो है अब बनने लगी। ठीक है, इस तरीके की गाड़ियों से अब क्या होता था कि देखो नदी में, तो अगर अगर नदी में पानी से जाना है, पानी से आने जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी से आप सामान भी ले जा सकते हो, खुद भी जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है क्योंकि बोट का आविष्कार हो गया है। लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो आप सड़क पर भी जो है, जमीन पर भी जो है चल के, मतलब बैठ के जा सकते हो, बैलगाड़ी में जा सकते हो, पैदल नहीं जाना पड़ेगा, और सामान भी आपको जो पहले आप पीठ पर उठा के ले जाते थे अब वो नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ तो कुछ टाइम तक तो ये पहिए का ही इन्वेंशन, देखो जो जब इन्वेंशन होता है ना, जब कोई नई चीज़ बनती है ना प्यारे बच्चों, तो उसके बाद उसको और मॉडिफाई किया जाता है, और मॉडिफाई किया जाता है। जैसे इंटरनेट बना था, है ना, इंटरनेट स्टार्टिंग में देखो कितना स्लो होता था, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, आज की डेट में इतने छोटे फ़ोन हैं आपके पास, एक प्रोसेसर का साइज़ नैनोमीटर में होता है, इतना छोटा होता है प्रोसेसर, उसकी वजह से पूरा जो फ़ोन है वो चलता है, पूरी टेक्नोलॉजी में जो है इतना छोटा रूप हो गया है। तो जब नई चीज़ ढूंढी जाती है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन बाद में उसको मॉडिफाई किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, और वो बहुत इजी और बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है। ऐसे ही पहले बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के बाद क्या किया गया, बैलगाड़ी के बाद स्टीम का इंजन, स्टीम का इंजन, भाप का इंजन की खोज हुई, भाप के इंजन की खोज हुई। ठीक है, भाप के इंजन की खोज हुई,
और भाप के इंजन की खोज होने के बाद क्या हुआ भाई, रेलगाड़ी बनी। क्या बनी? रेलगाड़ी बनी, ट्रेन बनी। अब और भी सुविधा हो गई, अब और भी ज़्यादा सुविधा हो गई। लंबी दूरी तक बहुत सारा सामान एक बार में ले जा सकते हो, बैठ के भी जा सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब और आसान हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ये भाप के इंजन के बाद, ट्रेन के बाद एक और आविष्कार हुआ, जो कि था ये पेट्रोल इंजन, पेट्रोल का इंजन, है ना। पेट्रोल के इंजन से क्या हुआ, पेट्रोल के इंजन से ऑटोमोबाइल, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, है ना। ये सारे जो हैं, इन सारे तरीके के जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इनकी शुरुआत हुई। अब हर कोई पर्सनली जो है अपने पास गाड़ी रख सकता था, और अपने हिसाब से जब उसको जाना हो तब जा सकता था, जब उसको जो सामान पहुंचाना हो तब वो सामान पहुंचा सकता था, है ना। अब ऐसा हो गया। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल के बाद अब कार की बात करो आप, बस की इसमें बात करो, है ना। अब देखो, इसके बाद भी रुके नहीं हम, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया, हवाई जहाज का आविष्कार कर लिया, है ना। अब हम जो है, जो दूरी हम 5 घंटे में तय करते हैं, जो दूरी हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3 दिन लग जाते हैं, वो हम 2-3 घंटे में पहुंच सकते हैं, है ना। जो हमारी 8 घंटे की दूरी है वो 40-45 मिनट में, 1 घंटे में हम तय कर सकते हैं। तो इसके बाद एरोप्लेन बना, और एरोप्लेन बनने के बाद हम क्या करें, हम जो है बाई एयर जा सके। और इसके बाद हमने क्या बना दिए, इसके बाद हमने रॉकेट बना दिए। अब रॉकेट से क्या हो सकता है, रॉकेट से आप इस ग्रह से बाहर भी जा सकते हो। आपको चंद्रमा पे जाना है, आप रॉकेट में जाओ। आपको मार्स में जाना है, आप रॉकेट पे जाओ। तो देख रहे हो आप अपनी जो हिस्ट्री, देख रहे हो हिस्ट्री किस तरीके से चल रही है। कहाँ स्टार्टिंग में हम लोग क्या थे, अपने पीठ पर बोझा ढोते थे और पैदल चलते थे। और कैसे चलते थे, पैदल चलते थे, बाई वॉकिंग, बाई फुट, है ना, पैदल हम लोग चलते थे शुरुआत में। और आज देखो आप, आज हमारे पास रॉकेट है। आज हमको चांद पे जाना है तो रॉकेट में बैठ के जा सकते हैं। उस टाइम सोचो, चांद पे जाने की कोई सोच सकता था उस वक्त? कोई भी चांद पे जाने की नहीं सोच सकता था, क्योंकि उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं थी। खुद ही हम पैदल चलते थे, है ना। सामान अपना जो है अपने पीठ पर, जैसे आप बैग आज उठाते हैं, इस तरीके से हम लोग चलते थे। उस टाइम तक ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। तो इसके बाद जो है ये आविष्कार होने लगे, जैसे जैसे आविष्कार हुए वैसे वैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो नया बनता गया, और हमको और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलती गई, और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हमको होती गई। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो हमको जब कोई, अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम लोग रुक जाएंगे, इसके बाद कुछ नई चीज़ इन्वेंट होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है हम क्या देखते हैं, ये थी हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतिहास है ये आपका क्या है, इतिहास है। चले प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आपने लिख दिया, इसको जो है हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने हिस्ट्री पढ़ा है। ये क्या पढ़ी हमने, ये हमने इतिहास पढ़ा है ट्रांसपोर्ट का। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इस बात को। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से साधन हमारे पास रहे होंगे प्यारे बच्चों, इस टाइम से इस टाइम तक, अब तक हमारे पास कितने साधन जो हैं आ गए हैं,
भले ही जब हमारे पास इन्वेंशन नहीं थी, डिस्कवरी नहीं थी, तब हम कौन से साधनों का यूज़ किया करते थे, जैसे एक मैंने यहाँ पर लिखा है, और आज हम किन साधनों का यूज़ करते हैं। तो आप पुराने साधन और नए साधन करके लिख सकते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या कर सकते थे, पहले हम भाप के इंजन की ट्रेनें देखते थे। ये भाप के इंजन में क्या होता था, एक इंजन लगा होता था प्यारे बच्चों। उसमें क्या होता था, उसमें हम कोयला डालते थे, कोयला डालते थे, तो कोयला डालने से क्या होता था, वहाँ पर भाप जनरेट होती थी, और भाप जनरेट होने से इंजन को शक्ति मिलती थी, वो रेलगाड़ी को खींचता था, है ना। अब आज की डेट में ऐसा थोड़े ना है, आज बिजली से चलती है रेलगाड़ियाँ। आज की डेट में हमारे पास बुलेट ट्रेन है ना, मेट्रो ट्रेन है। तो आज की डेट में हमारी जो जो टेक्नोलॉजी है, बस वो एडवांस हो गई है, खोज वही है। इसी तरीके से हम पहले कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, पहले कौन से साधन यूज़ करते थे, आज कौन से साधन यूज़ करते हैं, इस तरीके के आपको एक लिस्ट अपनी कॉपी में। अब हम क्या करते हैं, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। अब जैसे मैंने आपसे कहा, प्यारे बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ गए थे, गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ गए थे, तो आपने कहा, सर मैं जो है, जो मेरा घर है, जो मेरा होम है, वहाँ से मैं कहाँ गया था, वहाँ से मैं अपनी नानी के घर गया था। और नानी का घर कहाँ है, नानी का घर है सपोज दिल्ली में, सपोज कहाँ है नानी का घर, दिल्ली में, या मैं अपने गांव गया था, है ना। फिर उसके बाद आपने जाने के लिए क्या यूज़ करा, आपने बस में गए, आप कार में गए, आप ट्रेन में गए, है ना। तो आपने बेसिकली किया क्या प्यारे बच्चों, आपने एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा तय करी, और जो इसके बीच में आपने, जो इसके बीच में आपने कवर करा, तय करा, वो थी कुल दूरी। तो अब हम बात करेंगे कि हम दूरी को किस तरीके से मेजर करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, तो डिस्टेंस है, दूरी कितनी होती है, और उसका पता हमको कैसे चलेगा। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे दूरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। हेडिंग डाल देंगे सारे बच्चे, दूरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आपका आज का जो होमवर्क रहेगा, जो होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों, वो होमवर्क रहेगा कि आपको पुराने जमाने वाले और नए जमाने वाले जो यातायात के साधन हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। पहले के टाइम में हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, है ना, और आज के टाइम में हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो पांच पांच की आप जो है लिस्ट होमवर्क में बनाएंगे, पुराने यातायात के साधन और नए यातायात के साधन, ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आप सब लोगों ने बिल्कुल ध्यान दे करके क्लास को पढ़ा होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।